दिन बहुत ही शुभ दिन है। पिछले सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, उससे पहले कल ही दिवाली, दीपों का त्यौहार, जगमगाहट, बच्चों के आँखों को रोशन करती हुई रोशनी, पटाखों का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, आप सभी श्रोतागण, सोशल मीडिया पर एक्टिव मेरे भाई बंधु को हार्दिक अभिनंदन और छठ पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाने वाले मेरे प्यारे भाई और बैची कमांडो राकेश रंजन, जिन्होंने आतंकवादी वारदात जो ताज में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, आतंकवादियों को मार गिराए थे, जो दानापुर से चुनाव लड़ रहे थे। हार जीत लगी रहती है, हार जीत होते रहती है। मैं उनको, निराला जी को और कोच धामन से एक और मेरे बेची और पूर्व नौसैनिक चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी थोड़े ही अंतर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, मनोबल ऊंचा रहेगा जीत हासिल होगी, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। मनोबल नहीं रहेगा, मनोबल गिरा रहेगा तो जीत कर भी कुछ काम नहीं आएगा, मनोबल ऊंचा रहेगा हार कर भी वो सारी सुविधाएं अपने समुदाय को, अपने नौसैनिक भाइयों को या आम जनता तक हम पहुंचा सकते हैं। अतः जो भी पूर्व सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति में अपना भूमिका निभाए हैं, उन सभी बंधुओं को एक बार मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं और आशा करता हूं कि इसी जोश और जज्बे के साथ अगला चुनाव भी लड़िए। और उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि समाज में अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाइए, ताकि लोग आपसे जुड़े, आपके काम को सराहे। जिस प्रकार फौज में रहते हुए आपके काम को सराहा गया है, देशभक्ति को सराहा गया है, वैसे समाज में रहते हुए भी समाज के लोगों से भी तालमेल बनाकर रखिए, ताकि आपको अगले बार चुनाव में मत देने से पहले कोई उनके मन में दुविधा, शक, संदेह न हो। इसलिए आप सभी नौसैनिक, वायु सैनिक और थल सैनिक जो भी इस विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाए हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक सुख शुभकामना है। नमस्कार साथियों, मैं आज आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बना रखिए। मेरा फेसबुक और यूट्यूब को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर के माध्यम से, ताकि मेरी आवाज बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे राज्यों में, प्रदेशों में पहुंचे, ताकि मैं जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता हूं वो एक एक करके एक आवाज पूरे गांव, पूरे पंचायत, पूरे नगर, पूरे शहर, पूरे प्रखंड, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे राज्य और संपूर्ण भारत में जाए और उस मांग पर
तत्कालीन सरकार सोचने को मजबूर हो। अतः आज मैं दो कारणों से आप लोगों के समक्ष फेसबुक लाइव हुआ हूं, जिसमें एक तो है कि मैं अपने कवियत का फायदा लाभ गांव पंचायत विधानसभा होते हुए देश के कोने तक पहुंचाना चाहता हूं, और दूसरा यह कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। तो दोस्तों आइए, आज मैं अपना पहला मिशन पे चर्चा करना चाह रहा हूं और जिसकी मैं शुरुआत करता हूं। साथियों, मेरा बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा है, जिसका मैं पहला फेसबुक या दूसरा फेसबुक लाइव में वर्णन कर दिया हूं। फिर भी आज बताना चाह रहा हूं, मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती है, अभाव क्या होता है, और उस अभाव का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर परिवार उस कठिन परिस्थिति में कैसा दंश झेलता है। मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो घंटों लग जाएगी, फिर भी संक्षिप्त में प्रमुख बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा और चर्चा करूंगा। किन्हीं विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए मैं 1989 और 90 के बीच में गांधी उच्च विद्यालय भेलवा में पहुंचा। मेरे मन में हमेशा अपने माता पिता की कष्ट और गरीबी, गांव के व्यवस्था के खिलाफ रोष था। ये मैं और मेरा बड़ा भाई रामराज प्रसाद दोनों के मन में सेम विचार होता था कि समाज में जो कुव्यवस्था है उसे कैसे छुटकारा मिले, और हम तीनों भाई मिल करके समय समय पर समाज में विरोध भी किया। हालांकि उस समय हैसियत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अन्याय को सहने की हमने कोशिश नहीं की, अन्याय का हम तीनों भाई मिलकर के विरोध करने का ही कोशिश किया, कभी भी उसको बर्दाश्त करने की कोशिश नहीं किया। हालांकि उस समय गरीबी घर कर गई थी और बहुत कठिन परिस्थिति थी, इसलिए हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कभी भी किसी प्रकार का गलत बात को हम तीनों भाई बर्दाश्त करने की या उसे डरने की कोशिश नहीं की, हिम्मत और हौसला रख के उससे लड़ने की ही मतलब कोशिश किया और किसी से डरे नहीं। तो हमेशा यही लगा रहता था कि अपने माता पिता को गरीबी से कैसे छुटकारा दिलाए, गांव समाज में कुछ उत्थान का काम कैसे हो। इस क्रम में चाहिए था कि या तो आप खुद प्रभावशाली व्यक्ति बने आप, या आपका कुछ संपर्क बड़े आदमी से हो। तो एक तरफ तो था कि मैं पढ़ने में अपना मन लगा रहा था, लेकिन कब क्या कैसे सर्विस प्राप्त होगी, कैसी सर्विस प्राप्त होगी, जबकि समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए और आपका धाक लोग माने, आपकी बात लोग माने, इस तरह का यदि आपके मन में हो तो आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी बनने का ही जब ख्वाब हो आपके मन में, योग्यता हो आपके मन में, तभी आप कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेरे मन में था कि या तो पढ़ाई से या अन्य माध्यम से मुझे ऐसा आदमी बनना है कि एक तरफ तो माता पिता का आर्थिक संकट दूर कर सकूं और दूसरा समाज में एक विकास करने वाला व्यक्ति बन के उभरूं। और उस क्रम में मैं बचपन से ही काज करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं जब 6th क्लास में पढ़ रहा था तभी मैं तत्कालीन घोड़ासहन प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष
श्री केदारनाथ तिवारी से उनके प्रखंड कार्यालय में संपर्क किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। तब मैं मात्र 6th class में पढ़ रहा था। उन्हीं दिनों मतलब 1989 के क्रम में बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री श्री हरिशंकर यादव जी, जो आदापुर के विधायक हुआ करते थे, उनका दौरा चुनाव के क्रम में चल रहा था और प्रखंड अध्यक्ष केदारनाथ तिवारी, संगठन महामंत्री हरिशंकर यादव जी और कांग्रेस के वरीय नेता उस समय के डॉक्टर प्रदीप कुमार बघा वाले, उनके साथ पहली बार 6th class का छात्र होते हुए मैं ननौरा बाजार पर स्वागत गान के साथ शुरुआत किया और मंच का शुरुआत स्वागत के साथ तो हुआ और मेरे ही भाषण के द्वारा शुरुआत भी हुआ। मैं एक तरफ प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में था क्योंकि उस समय केदारनाथ तिवारी जी का थाना से लेकर के और ब्लॉक के हर अधिकारी उनके बात सुनते थे क्योंकि तब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी और वो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष होते थे। तब प्रखंड अध्यक्ष का बहुत ही महत्व होता था। आजकल तो बहुत ही कम है, जो विधायक बन गया वही दादा है, लेकिन तब कांग्रेस का विधायक हो या मंत्री हो, प्रखंड जो अध्यक्ष बोलेगा उसके अनुसार ही काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये तो जस्ट संक्षिप्त बात बताया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन किया और प्रखंड अध्यक्ष तिवारी जी के सानिध्य में अपना काम करना शुरू किया। साथ ही अभी 6th class में पढ़ रहा था तो पढ़ाई भी जारी रखा और बड़ी गर्व की बात है कि 6th class से 7th class के जाने के क्रम में मैं अपने क्लास में प्रथम तो आया ही, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से यदि देखा जाए तो मैं पूरे हाई स्कूल में प्रथम आया था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, ये तो छुपा नहीं है। मेरा जो भी क्लास साथी है उनको सबको मालूम होगा मैं ये फेसबुक पे लाइव हूं, तो इतनी बड़ी झूठ बोल ही नहीं सकता। और मैं 7th class में प्रवेश किया। ये जो बात बता रहा हूं आप लोग को अविश्वसनीय लगता होगा, लेकिन इससे 2 कदम और आगे मेरा काम था, उसका भी मैं अभी आपके सामने जिक्र करूंगा। और ये जिक्र करने का एकमात्र उद्देश्य है जो मैं आगे बताऊंगा। गांव में बहुत से लोगों को जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी। चूंकि मेरा गांव में पढ़ा लिखा लोगों की कमी तो थी ही, साथ में सामाजिक सेवा की भावना की भी कमी थी। या यूं कहें कि किसी को आवेदन पत्र कैसे लिखे ये पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। उसके बाद आवेदन पत्र मिल भी गया तो कहां पहुंचे ताकि प्रमाण पत्र बन सके की जानकारी नहीं थी। तब मैं बिना किसी से पैसा लिए आवेदन पत्र लिखता था। उन दिनों चिट्ठी पत्रिका भी जो प्रदेश में रहते थे बहुत ही चलन था, मैं लोगों का उसमें भी मदद करता था, चिट्ठी पत्र पढ़ने और लिखने उसमें भी मदद करता था। मुझे याद आ रहा है कि मेरे पड़ोस में ही गगनदेव भाई की मृत्यु हुई थी, जो कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसी को मालूम नहीं था कि विधवा पेंशन भी मिलता है, मुझे मालूम था, इसलिए मैं घोड़ा सहन से विधवा पेंशन फॉर्म लेके आया, आवेदन लिखा और जो भी जरूरत हुई वो सब पूरा करके मैं विधवा पेंशन दिलाने का काम किया। तब मैं 7th class में पढ़ रहा था। दूसरी बात याद है कि मेरे जिगरी दोस्त, उस समय उनको बिगू प्रसाद बोलते हैं, अभी उनका नाम वीरेंद्र प्रसाद है, और अजय प्रसाद जो कि अभी वार्ड सदस्य हैं, वो उनका मैं विकलांग सर्टिफिकेट
बनवाया घोड़ासान प्रखंड से, उनको करसहिया जो विकलांग का स्कूल है उसमें उनको सरकारी योजना का लाभ मिले, इसलिए मैं अपने साइकिल से बरसात और आंधी तूफान के बीच होते हुए उनको मैं करसहिया विकलांग स्कूल में, जो डॉक्टर सराजुल हक द्वारा निर्मित है, उत्तर भारत का एकमात्र विकलांग स्कूल है, उसमें मैं ले जाकर उनको भर्ती किया। तो इस प्रकार मेरा सामाजिक सेवा का काम चलता रहा। इसके अलावा भी छोटे छोटे बच्चे और गांव में लड़कों के बीच में नाटक का मंचन करवाता था, रात को उनको सिखाता था, मैं खुद दो नाटक भी लिखा और उनका मंचन भी करवाया, और दोनों का मंचन एक में निर्देशन किए तब के पूर्व शिक्षक श्री इंद्रदेव प्रसाद, और उसमें ग्रामीणों की भूमिका बड़ा ही सहयोगपूर्ण होता था। जो ग्रामीणों का सहयोग मुझे मिलता था, पूर्व शिक्षक श्री इंद्रदेव प्रसाद जी तो थे ही, श्री शंभू प्रसाद, रामनाथ प्रसाद, नेमीलाल प्रसाद जो मेरे कला साथी हैं थे, अभी किसी अज्ञात लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन वो और मैं भक्ति लाइन से लेकर पढ़ाई लाइन तक हमेशा साथ ही रहा। चाहे किसी प्रकार का कुछ भी काम होता था, हम दोनों मिलके करते थे। बहुत दुखद बात है कि आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मुझे हर मामले में वो बहुत सपोर्ट करते थे, मेरा समर्थन करते थे। वीरेंद्र प्रसाद, धर्मदेव प्रसाद, चंद्रदेव प्रसाद, रोजा भाई, गांधी प्रसाद यादव, श्रवण भगत, श्री अंचित प्रसाद, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री रामाधार प्रसाद, श्री राम नरोज शाह, श्री राम बाबू शाह और गांव के तमाम लोग तन मन धन से मेरा सहयोग उस समय करते थे। जब भी लड़कों को नाटक का पात्र को क्या बोलना है, कैसे बोलना है सिखाने क्रम में कितना भी थप्पड़ लगा दूं या कुछ भी कर दूं, उनके माता पिता से कभी शिकायत नहीं होती थी, उल्टा उन्हीं लोगों को डांट पड़ती थी जो शिकायत करते थे मेरा। तो ऐसा मतलब मुझे सहयोग गांव के लोगों से और मिलता था। और क्यों मिलता था? क्योंकि मैं सामाजिक सरोकार में ही कार्य करता था, ताकि उनको कुछ सिखा सकूं, पढ़ा सकूं, बता सकूं, वो अपना प्रदर्शन अच्छा कर सके, इसलिए मुझे उन लोगों का प्यार मिलता था। दोस्तों, मैं साफ शब्दों में यही बताना चाहता हूं कि सामाजिक सेवा मेरा सरोकार बचपन से भी था और अभी भी है। बचपन की घटनाओं का जिक्र किया हूं, उसका पुष्टि मेरे गांव, मेरे पंचायत के लोग से किया जा सकता है, तथा वर्तमान में योगदान को तो जग जाहिर है, मेरा फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर भी बताना चाह रहा हूं, लॉकडाउन से पहले हाँ दोस्तों, लॉकडाउन से पहले बिहार के किसी भी कॉर्नर से किसी भी जात धर्म संप्रदाय के लड़के छात्र, यदि वो मुंबई में परीक्षा के क्रम में मुंबई आते थे और मुझे याद करते थे, तो उनके खाने रहने और का व्यवस्था में करता था। और इसका भी पोस्ट आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं, खुद बच्चे छात्र अपना अपना पोस्ट डाल के मुझे धन्यवाद दिए हैं और पूरे पोस्ट मतलब वायरल हुआ है। तो ये छुपाने की चीज नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि और लोग जो सुने उनको भी लाभ मिले। लॉकडाउन के बाद ये सिलसिला फिर शुरू करने वाला हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि सामाजिक कार्य से मेरा सरोकार जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। दोस्तों, धर्म
छात्र को यदि उचित सलाह की जरूरत पड़ती है तो मुझे गर्व है कि गांधी मैदान मोतिहारी के नाम से एक ग्रुप है जहां से छात्रों का हमेशा मुझे फोन आता रहता है, जो सेलेक्ट होते हैं वो धन्यवाद देते हैं और जिसको कुछ सलाह लेना होता है वो सलाह लेते हैं, इवन गार्जियन लोग भी सलाह लेते हैं और मेरे से जो बन पड़ता है, मैं उतना बुद्धिमान तो नहीं हूँ लेकिन जो भी मेरे से बन पड़ता है, जो भी मैं पता करके बता सकता हूँ वो मैं बताते रहता हूँ। दोस्तों अभी कुछ उपलब्धि मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि छुपाने से कुछ हासिल होगा नहीं, बताने से लोगों को लगेगा कि हाँ मैं कुछ किया हूँ, भले उसकी सत्यता आप जान सकते हैं क्योंकि जब फेसबुक पर बोल रहा हूँ तो जब जाहिर है कि जिसके बारे में बोलूंगा उसको तो सुनाई देगा ही, तो इसलिए बताता हूँ कि इस क्रम में मेरा पड़ोसी श्री अजीत प्रसाद का सुपुत्र मनोज जो भी मुंबई में ही रेलवे में पोस्टेड है उसका भर्ती का एग्जाम के लिए वो मेरे पास ही आया था। मैं अपने घर पर ही उसका व्यवस्था किया था, परंतु मनोज बोला चाचा मुझे रात भर पढ़ना है क्योंकि मैं ट्रेन में आया हूँ और बिना रिजर्वेशन का आया हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ और मेरा एग्जाम है और सर्विस का एग्जाम है तो मुझे अलग रूम चाहिए ताकि मैं अच्छा से पढ़ सकूँ और एग्जाम दे सकूँ। मैं रात के 10 बजे अलग रूम का व्यवस्था किया और भगवान की दया है कि आज वो मुंबई में रेलवे में जॉब में है। दोस्तों इसके बाद बगल के गांव विजय, मैं उनको जानता तक नहीं था, मोहम्मद लड्डू उनका नाम है, मोहम्मद लड्डू वो अपने अब्बू को लेकर के मुंबई पहुंचे और मुझे फोन किया कि मेरा घर विजय पड़ता है और मेरा किसी दोस्त का नाम लिए कि वो आपका नंबर दिए हैं, उनको कैंसर हुआ है कि अभी मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल के पास बाहर बैठा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं बोला कि ठीक है आप रुकिए मैं आता हूँ। मैं 1 घंटे के अंदर 1 kg सेव लिया और उनके पास पहुंचा। चाचा जान से मुलाकात हुई, उनके साथ 2-3 और लोग थे जो भाई खाला से उनके पास पहुंचे थे। मैं उनको लेकर अपने साथ में सर्विस करने वाले और तत्काल में सुरक्षा अधिकारी कार्यरत है टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, मैं उनसे मुलाकात कराया। जितना संभव हो सके उन्होंने उनका मदद किया, चूंकि चाचा जान का कैंसर लास्ट स्टेज में था इसलिए उनको बचाया नहीं जा सका, लेकिन वो दवा से लेकर के जो भी काम था शॉर्टकट तरीका से उनको साइड से दिलाया और जो भी जितना दवा, हालांकि उसके पास 6 मंथ तक चाचा जी जीवित थे लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मुझे दुख है लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ना हिंदू ना मुसलमान, और आप मोहम्मद लड्डू से पूछ सकते हैं, वो मेरे से कभी भी मिले नहीं थे लेकिन मेरे से जो बन पड़ा वो मैं किया। इसके अलावा एक दिन और ऐसे ही फोन आया कि मेरा घर भेलवा पड़ता है, मेरा नाम श्री नारायण सिंह है, कि मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में हूँ और मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ। तो जैसे मैं सुना कि भेलवा घर है तो ठीक है, मैं बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, आप इंतजार कीजिए। मैं 45 मिनट के अंदर में ही पहुँच गया, वहीं फल फूल लेकर के पहुँचा और उनसे मुलाकात हुई, उनको मैं वहीं अपने दोस्त से मिलाया और जो प्रक्रिया था वो शॉर्टकट रास्ता से, ऐसे तो लंबा प्रक्रिया होता है लेकिन चूंकि मेरा साथ में सर्विस करने वाले और मेरा सहयोगी है वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी है तो उनके माध्यम से जो भी बन पड़ा उन्होंने किया और बात बात में पता चला कि श्री नारायण सिंह जी मुझे जो ट्यूशन पढ़ाए थे मोतिहारी में इंग्लिश का, राजेश किशोर सिंह
उनके बड़े भाई हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ना हिंदू मुसलमान, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, मेरे सामने जो भी विकल्प आया मैं उनसे जात पात कुछ पूछा नहीं, और जाने के बाद ही मेरा प्रतिक्रिया गलत रास्ते में गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही मुझे जो सहायता किए, पहले तो सहायता किए विश्वनाथ प्रसाद शिक्षक जो कानून समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उसके बाद मेरा मदद किए श्री सुदामा प्रसाद यादव जो यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और थोड़ा बहुत मदद मदन मोहन सिंह जो रातू समुदाय से। तो जब मेरे साथ कोई जातीयता जातिपात भेदभाव नहीं हुआ, यही कारण है कि मेरा भी जब भी कोई हेल्प सहायता मांगता है तो मुझे मेरे अंदर भी ये जाति पात धर्म का कोई भेदभाव नहीं आता है। इसके बाद एक दिन और सुबह 6 बजे फोन आया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरे बेटे का एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन होना है और मेरा घर गोदिया पड़ता है, और विजय का कोई संबंधी है आपका नाम बताया है, और मैं पहुंच गया। फिर मैं यहाँ तो मेरा निवास से CST स्टेशन 15-20 मिनट का रास्ता है, मैं उनके पास पहुंचा, उनको आग्रह किया कि आइए घर पे आइए और नहा धो करके फिर हॉस्पिटल जाइएगा, लेकिन चूंकि उनके बच्चे का अपॉइंटमेंट था इसलिए वो बोले कि नहीं, मैं यहीं से मैं मुंबई सेंट्रल जो हॉस्पिटल का नाम लिए मैं गूगल पे सर्च करके बता दिया कि यहाँ पे है, और चूंकि उनके साथ एक बोरीवली से आए थे उनको सब कुछ जानकारी थी इसलिए मैं उनके साथ मुंबई सेंट्रल नहीं गया। मुंबई सेंट्रल जाने से पहले मैं स्टेशन पर भी उन लोगों को नाश्ता करवा दिया, अपने भी नाश्ता उनके साथ बैठ के कर लिया, और बोला कि जब भी जरूरत होगा आप मुझे फोन कीजिएगा। हालांकि एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जो है उसमें सब व्यवस्था है, वो किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा ही संचालित है, तो उनमें उनको खाना पीना रहने का सब व्यवस्था था। फिर भी मैं 2 दिन के बाद उनसे मिलने गया, और जब मिलने गया तो पता चला कि उनका घर गुरमिया पड़ता है और मेरे ही गांव के श्री भाई और जो कानू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उनके भाई के वो बेटी दामाद है। तो जब वो हॉस्पिटल में इलाज हो गया उसके बाद में मैं उनको घर लेके आया नेवी नगर में अपने आवास पर, वो लगभग 2 दिन रहे, और मेरी पत्नी उनको अपने बेटी दामाद की तरह ही व्यवहार की, और साथ में जाते जाते उनको अंग वस्त्र के साथ विदा किया जो कि कानू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि जब वो घर गए तो मेरे बाबूजी और माँ से, उनके बाबूजी जो मेरे गांव के हैं उनका जो दामाद लगता है, वो जाके बताए कि ऐसा 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 हुआ। तो मैं इसका व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि यदि किसी को जरूरत पड़े तो ये नहीं बोले कि यार शहर का आदमी तो मुँह छिपाता है, बात करने से कोई खाना कौन खिलाएगा। और ये ताना मुझे खुद अपने संबंधी से मिल चुका है, लेकिन मैं सोचा कि मैं मुंह पे क्या जवाब दूं, मैं जब काम से जवाब दे सकता हूं तो मुंह पे क्या जवाब दूं, इसलिए मैं मुंह पे जवाब नहीं दिया और मैं अपने काम से ही जवाब देना चाहता हूं। और मैं अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने विधानसभा में और अपने राज्य में जब भी जरूरत पड़ेगा मैं अपने काम से ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी ढेर सारी उदाहरण है जिससे मेरा भूमिका समाज सेवा में सत्यापित करता है। सामाजिक सेवा में मेरी भूमिका बिना स्वार्थ जाति पाति से ऊपर होती है। मेरा प्राथमिक विद्यालय को मिडिल और उच्च विद्यालय के लिए मैं जब 7वीं और 8वीं कक्षा में था तब भी से प्रयासरत हूँ, और आवेदन लिख करके
ग्रामीणों का हस्ताक्षर करा करके जिला शिक्षा अधिकारी तक के टेबल पर मैं पहुंचाया हूं, जिसकी सत्यापित श्री पूर्व सरपंच श्री सत्यदेव देव तिवारी से आप कर सकते हैं। मैं लगभग दो तीन बार 20-25 गणमान्य लोगों का सिग्नेचर करा के एप्लीकेशन पर कि मेरा जो प्राथमिक विद्यालय है उसको उसका मरम्मत किया जाए और उसको मिडिल या हाई स्कूल तक मतलब बनाया जाए, ऐसा मैं प्रयास करता रहा। मैं कभी बैठा नहीं, जब भी जहां जरूरत पड़ी वहां लगा रहा, अपना सोच को आगे बढ़ाते रहा। दोस्तों, आज मैं सक्षम हूं कि गांव पंचायत प्रखंड का विकास का साझेदार बनूं, परंतु बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी है, उसकी भी उसे भी मैं मुंह मोड़ नहीं सकता हूं। अतः बच्चों की शिक्षा पूरी होने तक मैं मुंबई में रहकर ही मेरे बड़े भाई श्री रामराज प्रसाद और श्री महाराज प्रसाद के माध्यम से सामाजिक सेवा में योगदान करता रहूंगा। मेरे दोनों भाई काफी मिलनसार और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का भावना रखते हैं, अतः मैं निर्णय लिया हूं कि हम तीनों भाई मिलकर समाज में हर संभव विकास और सुविधा मुहैया कराऊंगा, जिसकी शुरुआत में 2014 में ही कर दिया था अपने पिताजी के नाम पर श्री यादवलाल समाज कल्याण ट्रस्ट का स्थापना और रजिस्ट्रेशन करा लिया हूं। मेरा ट्रस्ट सफलतापूर्वक 6 साल का यात्रा पूरा किया है। इस बीच में मुंबई में तरह तरह के कैंप लगा करके और लोगों का मदद करके मैं अपने एनजीओ को जीवित रखा हूं। यही कारण है कि मेरे से बड़े बड़े एनजीओ के संचालक और कंपनियों से डोनेशन के लिए कॉल आता है, जहां से मुझे लाखों और करोड़ों में डोनेशन मिल सकता है। लेकिन मैं ये डोनेशन नहीं ले सकता हूं। सारी जरूरतें मैं पूरा कर दिया हूं, लेकिन एक जरूरत है जो मैं पूरा नहीं कर पाया हूं, और यदि वो जरूरत मैं पूरा कर दूं तो ये जो लाखों करोड़ों जो हर कॉर्पोरेट सेक्टर से एक सोशल बीइंग होता है, जिसमें हर कंपनी के जो मालिक होते हैं 10%, 5%, 20% वो सोशल वर्क के लिए रखते हैं, जहां गरीबों की सेवा करना, छात्रवृत्ति देना, सड़क नल जल योजना या किसी भी सुधार कार्य के लिए दिया जाता है। तो मेरा ट्रस्ट सब कुछ हासिल कर लिया है, परंतु कंपनियों में बड़े दानदाता किसी भी ऐरे गैरे के हाथ में रुपया नहीं सौंपना चाहता है। अतः वो या तो बड़े अधिकारी द्वारा संचालित ट्रस्ट या चुने हुए प्रतिनिधि को अपना फंड सौंपता है, ताकि फंड का सही इस्तेमाल और लेखा जोखा दे सके। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि टाटा 1500 करोड़ रुपया दान दिए, मेदांता 500 करोड़ दान दिया, और इस प्रकार ढेर सारी महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत के अंदर भी कैंसर के नाम पर, टीबी के नाम पर और किसी न किसी योजना के नाम पर लाखों करोड़ रुपया बड़ी बड़ी कंपनियां दान करती है। अपने विश्व में सबसे बड़ा दानदाता बिल गेट्स, जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, वो अपने संपत्ति का 30% हिस्सा हर साल दान करती है, परंतु गरीबी नहीं मिटती है, क्योंकि सही एनजीओ के पास और सही आदमी के पास नहीं पहुंचता है। यदि इसका सही से इस्तेमाल हो और बंटवारा हो तो कोई भी सड़क पर नहीं रहेगा और हर आदमी का पक्का मकान होगा,
सब सुखी होंगे, परंतु दुर्भाग्य है कि दान की राशि का बंदर बांट हो जाता है, चाहे वो सामाजिक सेवा के नाम पर बड़े बड़े एनजीओ हो या छोटे छोटे एनजीओ हो। यही कारण है कि बड़े बड़े दानदाता या कंपनियां वैसे जनप्रतिनिधि को चुनती है जिनके पास पंजीकृत ट्रस्ट हो। स्थानीय गरीब पिछड़ा दलित का प्रमाणिक लिस्ट हो, आधार कार्ड हो, बैंक खाता हो, ताकि दान का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और फंड का सही से शिक्षा, सड़क, गरीबी और गरीबों की माली हालत को सुधारने में उपयोग हो। साथियों, मेरा आदर्श वही होता है जो गरीबों की हित की बात करता है। मैं भी श्री लालू प्रसाद यादव जी की बहुत बड़ा फैन था और बहुत बड़ा प्रशंसक था। मैं उनके जीवन चरित्र पर, जो पहले ही लालू चालीसा लिखा जा चुका है, मैं भी उनके जीवन चरित्र पर लालू चालीसा लिखा हूँ। हालांकि बाद में जब कुछ रास्ता गलत होने लगा तो मैं अपने आप को फैन से अलग कर लिया। हालांकि शुरुआत में उनका जो गरीब दलित और पिछड़ों के प्रति उनका जो प्यार स्नेह था, उस हिसाब से मैं उनसे काफी मतलब जुड़ा था और दिल से जुड़ा था। इसके बाद मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन रहा और फेसबुक पर आप देखिएगा तो उनके बारे में बहुत सारी पोस्ट मिलेगी। लेकिन जब उनका भी देखा कि जब तक थे सच्चा सेवा किए गरीबों का, तब तक मैं उनका प्रशंसक रहा, फैन रहा। लेकिन जब कोई अपना रास्ता किसी दूसरे रास्ता में मोड़ा, राह में मोड़ लिया, तब मैं वहां से हट गया। उसके बाद दो नेता और हैं जिनका मैं प्रशंसक रहा हूं। एक थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार और दूसरा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, जिन्होंने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। और इस क्रम में एक कहानी बताना चाह रहा हूँ कि माणिक सरकार की पत्नी टीचर थी और वो हाथ गाड़ी से या रिक्शे से आती जाती थी और चप्पल और सैंडल का इस्तेमाल करती थी। और खुद माणिक सरकार लगभग 15 से 20 साल मुख्यमंत्री रहे, परंतु पूरा गार्डनिंग अपने ही करते थे, घर में कोई नौकर नहीं रखते थे। उनकी पत्नी खुद खाना बनाती थी और वो खाते थे। अपने जो वेतन मिलता था 55,000 रुपया, उसमें मात्र 5,000 रुपया रखते थे, बाकी वो पार्टी फंड में दे देते थे। और दूसरा जो गोवा के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के रक्षा मंत्री भी पद को सुशोभित किए थे, श्री मनोहर पर्रिकर, एक बार वो स्कूटर से विधानसभा जा रहे थे, उसी क्रम में एक एसपी का लड़का की गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। वो उतर कर आया और स्कूटर के सामने रोक झाड़ते हुए बोला कि तुमको मालूम है मैं सिटी एसपी का बेटा हूँ। फिर भी मनोहर पर्रिकर जी कुछ नहीं बोले कि बेटा मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सादगी विचार वाले लोगों का मैं हमेशा फैन रहा हूँ। हालांकि वो तो अभी बीते दिन की बात हो गई, लेकिन फिलहाल में अभी इस चुनाव में मुझे पता चला कि 4 बार के विधायक और इस बार भी 53,000 वोटों से बलरामपुर के तलामपुर विधानसभा के भाई अबू आलम, महबूब आलम चुनाव जीते हैं। इस बार 4थी बार है, लेकिन आज भी उनका घर कच्चा घर है, पक्का घर नहीं है। आज भी मियां बीबी नॉर्मल कपड़ा लुंगी में दिखाई देते हैं। तो मैं चाहूंगा और कोशिश करूंगा
कि भाई महबूब आलम जो विधान बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनसे मिलूं और उनके राह पे चलूं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको मैं अपने क्षेत्र में एक बार जरूर, वैसे महापुरुष को आज के जमाने में जो ऐसे महापुरुष है उनका दर्शन मैं खुद करूं और आप लोगों को भी कराऊं। मैं पंचायत के विकास के लिए बिहार सरकार के फंड का मोहताज भी नहीं रहूंगा, क्योंकि जब बड़े भाई श्री रामनाथ प्रसाद जी को आप मुखिया के रूप में प्रतिनिधि चुनेंगे तो फंड का व्यवस्था मैं कॉरपोरेट के सोशल विंग से प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, जो आज तक मुझे संपर्क करते थे लेकिन मैं अलग बहाना बना के टाल देता था कि अभी मुझे दूसरा काम करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई प्रतिनिधि है नहीं मेरा, जिस तो मैं टाल देता था। लेकिन अब मैं वैसे एनजीओ से खुद संपर्क करूंगा और वैसे कॉरपोरेट के सोशल विंग से खुद संपर्क करूंगा जो मुझे सहयोग देना चाहते थे, लेकिन मैं अब तक नहीं लेना चाह रहा था, लेना तो चाह रहा था लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा और बदले में मुझे अनियमितता में पकड़े जाऊंगा, तो इससे बेटर मैं कुछ बहाना टालता था। तो यदि आप लोग मौका देंगे और मेरे भाई रामराज प्रसाद को मुखिया के रूप में प्रतिनिधि चुनेंगे तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फेसबुक पर जो भी पोस्ट मैं डाला हूँ वो सारी सारी की सारी वादा पूरा करने में सक्षम होऊंगा। और वो तो कुछ नहीं है, जब ये सरकारी फंड के अलावे भी जो सोशल विंग कॉरपोरेट सोशल विंग से जो लाखों करोड़ों फंड मिलेंगे उसका उपयोग केवल और केवल पंचायत के सौंदर्यीकरण से लेकर के स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए ही उपयोग करूंगा। मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए उसका उपयोग नहीं करूंगा। ये अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाना चाहेंगे और अपना जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहेंगे, या वही जाति पाति के और धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दलदल में फंस करके आप पड़े रहेंगे। दोस्तों, मैं इस क्रम में एक और बात बताना चाह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में पुष्पम प्रिया जी जो प्लुरस पार्टी की उम्मीदवार थी, मुख्यमंत्री की उम्मीदवार, लोगों को अटहास करने को मिला था, लेकिन मैं पहले ही बोला हूं कि जो भी गरीब का बात करता है उससे मेरा लगाव अपने आप होता है। तो उन्होंने दो जगह से चुनाव का पर्चा भरा था और दोनों जगह से मिलाकर उनको लगभग 2500 से 3000 का वोट मिला। इस पर पत्रकार भाई उनके चुटकी लेते हुए और तंज कसते हुए पूछे कि मैडम, पहली बात कि आप चुनाव बहुत खर्चीला हो चुका है, आप फंड यानी रुपया कहाँ से लाएंगे, और दूसरा कि आप दो जगह से चुनाव लड़कर मात्र 2500 मत प्राप्त किए हैं, आपका भविष्य का क्या होगा। पत्रकार को लगा कि पुष्पम प्रिया जी कुछ नहीं बोल पाएंगी और वो शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन दोस्तों जो इतना बड़ा मिशन लेकर के चलता है और वो भी विदेश से पढ़ाई करके लौटी है, उसके पास मिशन है और विजन है, और मिशन और जिसके पास विजन है एक दो टके का पत्रकार उसको क्या शर्मिंदा कर सकता है। जिसका मिशन और विजन क्लियर होगा उसको कोई डिगा नहीं सकता, और उनका जवाब सुनिएगा तो रियली सबके दिल में सहानुभूति होगा। उनका पहला जवाब था कि
यदि यही बात अब तक जो सपा में बैठे राजनेता है उनसे आप पूछ लेते कि जो ये चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं ये कहां से लाते हैं, तो शायद ये सिलसिला जारी रखते तो इतनी चुनाव में फिजूल खर्ची नहीं होती और जनता का कीमती टैक्स बच जाता और वो पैसा विकास के कार्य में लगता। लेकिन आप पत्रकार लोग दलाल बन चुके हैं, कमाऊ कूत बन चुके हैं, बिकने वाले बन चुके हैं। इसलिए सवाल आप उन कमजोर लोगों से पूछते हैं जो कि अपना मिशन और विजन लेके चलते हैं, लेकिन आप उसको वहीं पे दबा देना चाहते हैं। लेकिन खैर, आप में हिम्मत नहीं है, आप मत पूछिए, लेकिन आप मेरे से सवाल का जवाब लीजिए। और पुष्पक प्रिया जी ने क्या बोला, मैं पुलिस पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ लेकिन उनका व्यक्तित्व का सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं विदेश में पढ़ी हूँ और वहां पे जितने भी मेरे का साथी रहे हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट में, विश्व के देशों में बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में है और उन्होंने ही मुझे बिहार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा है और वहां के सोशल विंग से मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी और वहां से फंड मुझे मिलेगा। लेकिन उस फंड का उपयोग मैं चुनाव खर्च में नहीं करूंगी, उस फंड का उपयोग मैं गरीबों को विकास में, सड़क बनाने में, सड़क सौंदर्यीकरण में और राज्य और देश के भलाई में करूंगी, ना कि अपने चुनाव जीतने के लिए करोड़ों बहाऊंगी। दोस्तों, और ये दूसरा सवाल का जवाब था कि मात्र आपको 2500 वोट मिला है, आपका भविष्य क्या क्या होगा। उसका उन्होंने उत्तर दिया कि सवाल मेरे भविष्य का नहीं है, क्यों कि मेरा मिशन और विजन क्लियर है। आपको याद होगा कि 16 साल से जो जनता के लिए मणिपुर में शर्मिला रूम, जनता के लिए 16 साल से अन जल त्याग करके भूख हड़ताल पे बैठी हुई है 16 साल से, जो 2000 में चुनाव हुआ, सन 2000 में चुनाव हुआ और वो चुनाव लड़ी जनता के भरोसे और जनता ने मात्र उनको 87 वोट दिया। कितना? 87, जो जनता के लिए 16 साल तक भूखी रही, आज वो वेंटिलेटर पर है और उनको जनता ने केवल और केवल 87 वोट दिया। तो उनसे उनका ना तो विजन हटा और ना मिशन हटा, और तब भी जनता के सेवा करती थी और जनता के लिए अनशन पर बैठी थी और आज भी जनता के सेवा कर रही है और जनता के सेवा के लिए आज भी अनशन पर बैठी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन इस जनता को, जिस दिन इस पब्लिक को इस समाज में आ जाएगा कि मेरा भविष्य और मेरे बच्चे का भविष्य इन राजनेताओं ने बंधक बना दिया है, इन लुटेरों ने बंधक बना दिया है, इन लोगों ने चुनाव में पैसा बांट करके मेरा भविष्य खरीद रहा है, मेरा बेटे का भविष्य खरीद रहा है, मेरे आने वाला पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत इन राजनेताओं का कोई भी हथकंडा काम नहीं आएगा और हर लोग जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस सब से ऊपर उठ करके उन नौजवान, उन मिशन और विजन वाले को वोट करना सीख जाएंगे और देश का, राज्य का, प्रखंड का, पंचायत का विकास होगा। तो मैं इस माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि सवाल ये नहीं है कि मुझे कितना वोट मिलेगा, मेरे भाई को कितना वोट मिलेगा, मेरे भाई को कौन वोट देगा, मेरे भाई को कौन वोट देगा। सवाल ये होगा
कि कदमवा पंचायत के लोग किसको चुनेंगे, एक काबिल आदमी को या एक नाकाबिल आदमी को। वो वहां की जनता की तय करेगी, वहां की मतदाता तय करेगी। मैं अपना मिशन और विजन और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है उसका एक एक पहलू का चर्चा किया हूं, जो कि जन सामान्य में प्रचलित है और जो रास्ता सामने सामने दिखाई दे रहा है वो रास्ता मैं बताया हूँ। दूसरे के पास मिशन है, विजन है, क्लियर है नहीं है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। सभी लोग अपने जितने भी प्रखंड में चुनाव लड़ते हैं, पंचायत में चुनाव लड़ते हैं, सबमें काबिलियत होती है, लेकिन किसी का काबिलियत 1 किलोमीटर दौड़ने का होता है, किसी का काबिलियत 2 किलोमीटर का दौड़ने का होता है, किसी का 4 किलोमीटर का होता है, किसी का 5 किलोमीटर का होता है। वैसे ही विकास करने के माध्यम में सबको विकास करना चाहता है, लेकिन किसी कैपेसिटी ही नहीं होती है तो क्या कर सकता है। इसीलिए न जात पे न पात पे, और अब चुनाव में मतदान कीजिएगा अपने प्रतिनिधि का, जो होने वाला प्रतिनिधि है उसका काबिलियत पहचान कर, उसके काबिलियत पहचान करके उनको मदद कीजिएगा। और मैं वही कहूंगा कि न लुटाऊंगा न लुटूंगा, मतलब न चुनाव में पैसा लुटाऊंगा लोगों के बीच, और न चुनाव जीतने के बाद लोगों के पॉकेट से पैसा नल जल योजना के लिए और शौचालय के लिए या किसी भी काम के लिए लोगों से पैसा नहीं लूंगा। आवास, इंदिरा आवास योजना, मतलब मेरा वही है कि न लुटाऊंगा न लुटूंगा, आपका हक आपके हवाले करूंगा, न भय होगी न भ्रष्टाचार होगी, आपका फंड आपके हवाले होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे कदमवा पंचायत के लोगों से आग्रह करता हूं और विनती करता हूं कि आप सोच समझ करके और काबिलियत पहचान करके मतदान कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा और देखिएगा कि किसका विजन और किसका विजन सही है, किसका विजन गलत है, और कौन झूठ मूठ का वादा कर रहा है, और कौन उस वादा को पूरा करने का पूरा मजदा रखता है, उसमें काबिलियत है। आगे आगे आपकी मर्जी, आप जिसको चाहे उसको अपने सर पर बैठा सकते हैं। जनता जनार्दन लोकतंत्र का सबसे मजबूत ईंट होती है और उन्हीं के सहारे ये लोकतंत्र मजबूत होता है। दोस्तों, ये तो मेरा पहला सवाल और पहला चर्चा हुआ। दूसरा चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी उत्पन्न स्थिति है, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, हुआ होगा, मैं निश्चित नहीं हूं, इसीलिए किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन सत्ता का भूख जितना एनडीए को है, सत्ता का लालच उसे ज्यादा महागठबंधन को भी है। महागठबंधन तो यह साबित कर दिया कि वो सत्ता की भागीदारी तक किसी को नहीं देना चाहता है, सत्ता का बंदरबांट खुद अपने में करना चाहता है। तभी तो उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और हम जैसे अहम सहयोगी को, असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन से अलग कर दिया, और सत्ता का भूख एनडीए में भी थी, 100% है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्होंने चलाके किया। आपने जिसको भगाया उसको एनडीए ने गले लगाया। यहाँ महागठबंधन की मूर्खता दिखी और एनडीए की चलाकी दिखी। तो सत्ता का भूख तो दोनों का था, लेकिन एक जगह चलाक नेतृत्व कर रहा था, दूसरे तरफ महामूर्ख लोग नेतृत्व कर रहे थे। हो सकता है मेरा बात में लोगों को
गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई है और सच्चाई को मैं बोला हूं कि सत्ता का भागीदारी तक नहीं बनाना चाह रहे थे, वो सत्ता पे कैसे काबिज होंगे। इसीलिए उनको एक झटका लगा और लोकतंत्र में किसी भी घमंडी आदमी को यदि झटका लगता है तो ये जायज है और ये झटका लगना ही चाहिए, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या महागठबंधन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एनडीए ऐसा कुकर्म किया होता, वो अपने सहयोगी को भगाया होता, तो मैं तब भी उतना ही पुरजोर ढंग से उसका विरोध करता और अब भी इतना ही पुरजोर ढंग से विरोध कर रहा हूं। दोस्तों आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।